हेलो स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूनिट वन का जो रिमेनिंग पार्ट है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसमें गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ कैसे स्टार्ट करते हैं उसके बारे में। तो अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की बात करें तो जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए जिनका कुछ पर्टिकुलर वर्क है तो उसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट इज़ वट एवर द गवर्नमेंट पॉलिसी इज़, जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी है वो फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए होती है। जैसे कि हम लोग को पता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, ज़्यादातर क्योंकि उनको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ प्रमोट करनी है तो वो क्या करती है कि उनको कम इंटरेस्ट पे लोन देती है या ज़ीरो इंटरेस्ट पे कई बार लोन देती है, सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती है, और जो भी उनको किसी भी तरीके के फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो भी इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है उससे रिलेटेड ये हर सपोर्ट प्रोवाइड करती है। तो गवर्नमेंट पॉलिसी जो जो भी बनाई गई हैं वो किस किस टर्म पे बनाई गई हैं, पहला तो फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए बनाई गई हैं, दूसरा अगर कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उसको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, यानी उसको अपनी जैसे बिल्डिंग बनानी है और भी कोई ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी चाहिए या और नेटवर्क बढ़ाने हैं अपने कि कैसे ज़्यादा लोगों से कनेक्ट करें, कैसे अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें अगर उसकी बात करें तो, उसको बढ़ाने के लिए से कि इतना सारा कंपटीशन होता है तो जैसे फेयर वगैरह भी ऑर्गेनाइज करती रहती है। मतलब गवर्नमेंट इस तरीके से भी सपोर्ट करती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को। तो पहला फाइनेंशियल तौर पे सपोर्ट करती है जिसमें लोन सब्सिडीज़ और भी तरह के बेनिफिट्स आ जाते हैं, और दूसरा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए सपोर्ट करती है। तीसरा, अगर आपने सुना होगा बहुत सारे ऐसी, अभी हम लोग आगे इस पर बात भी करेंगे, बहुत सारी ऐसी नई नई स्कीम आती रहती हैं जो कि ऐसे एंटरप्रेन्योर्स के लिए होती हैं कि मतलब उनके पास इनफ स्किल्स नहीं है या और किसी फील्ड में वो स्किल गेन करना चाहते हैं, अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी टाइम टू टाइम वो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाती रहती है। उसके अलावा जो छोटे छोटे स्मॉल जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है तो और भी जो भी लोग हैं रूरल एरियाज़ में, अगर वो भी कुछ नई चीज़ सीखना चाहते हैं तो उनके लिए भी बहुत सारे प्रोग्राम चलाती है जिससे कि और भी ज़्यादा ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हैं बढ़ के आ सके और इनकी प्रोडक्टिविटी क्वालिटी और बढ़ भी ज़्यादा बढ़ सके। तो इस तरीके से भी सपोर्ट करती है, तो फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही है, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रो करने में सपोर्ट कर रही है, उसके अलावा आपको ग्रो करने के लिए जितने भी प्रोग्राम्स की ज़रूरत है, स्किल अपनी बढ़ानी है तो उसमें भी सपोर्ट करती है गवर्नमेंट। चौथा है रेगुलेटरी रिलीफ, जैसे कि आप कभी भी जाते हैं तो आपको अपनी इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए और बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइसेंसिंग करवानी है और भी बहुत सारी लेयर्स के थ्रू गुजरना पड़ता है, तो गवर्नमेंट इसमें भी आपको ईज़ प्रोवाइड करती है। वो आपको बताती है कि कैसे आप स्मॉल इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं, आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, ईजी हो जाए आपके लिए, ऐसी कोई योजनाएँ भी लाती हैं कि आप आसानी से किसी एक जगह पर जाएँ और आपका सारा काम हो जाए, तो इस तरीके की भी सिस्टम देती है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा लेयर्स के थ्रू नहीं गुजरना पड़ता, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं फॉलो करना पड़ता है। तो अगर हम बात करें कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ के बारे में बात करें तो इंस्टीट्यूशन अगर हम देखें तो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर जिसको हम DIC बोलते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट का है, और इन जनरल देखें तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू फैसिलिटेट होती हैं और सबके अंडर कुछ ना कुछ वर्क हैं, जैसे SI है, SIDBI है, NABARD है जो कि रूरल एरियाज़ के लिए बैंकिंग का काम करता है, NSIC है, FIFCI है, IDBI है, KVIC है, IDC, SSIDC है, तो ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं। अभी हम लोग इस पर बात करेंगे, कुछ कुछ जो मेन इंस्टीट्यूशन है उस पर बात करेंगे, ऐसे तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं। अगर सिलेबस की बात करें तो डिफरेंट जो जो मेजर पॉलिसीज रिक्वायरमेंट है वो मैंने इस लेक्चर में कवर की है, और भी डिटेल में अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, आप उसको देख सकते हैं और उनके बेसिक फीचर्स जान सकते हैं। गवर्नमेंट मेजर्स टू प्रमोट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, तो गवर्नमेंट किस तरीके से स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को सपोर्ट करती है, तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल मेजर जिसमें वो क्या करती है कि ऐसे इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करती है जो कि इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करते हैं, जैसे कि बोर्ड का इस्टेब्लिश करना, NSIC नेशनल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन को इस्टेब्लिश करना, इंडस्ट्रियल स्टेट को इस्टेब्लिश करना जो कि RCT में बनाए जाते हैं, ऐसे एरिया होता है इंडस्ट्रियल स्टेट जहाँ पे सारे जितने भी
इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो एक साथ सेटअप होती हैं, वहाँ पे इनको अगर फैसिलिटी चाहिए और लोकेशन चाहिए तो बहुत इजीली मिल जाता है। तो ऐसा एरिया होता है इंडस्ट्रियल इस्टेट, तो ये भी इस्टेब्लिश करती है, ये ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म में है। और डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर जो कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपको मिल जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि NSIC, जैसे हमने यहाँ पे देखा कि NSIC है, और इसका क्योंकि इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है इसलिए इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। तो 1955 में ये स्टार्ट हुई थी, और इसका जो वर्क है वो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की ग्रोथ को बढ़ाना, और वो किसी भी फंक्शन के थ्रू, मतलब इसके जो फंक्शन है वो इसी लाइन में है कि इसकी ग्रोथ को बढ़ाया जा सके। तो पहला है टू प्रोवाइड मशीनरी ऑन हायर परचेज टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो अगर हम देखें कि अगर मशीनरी चाहिए किसी को, तो वो अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को चाहिए और उसको कम दाम में प्रोवाइड करनी है, तो उसके लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वर्क करती है। उसके अलावा अगर हम बात करें लीजिंग फैसिलिटी, अगर कोई इक्विपमेंट चाहिए जो आपको लीज़ पे चाहिए, जैसे बहुत सारी ऐसे लोग होते हैं कि जो बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट को लीज़ पे ले लेते हैं, उसके बाद फिर जब उनका काम ख़त्म हो जाता है तो उसको वापस कर देते हैं, मतलब फुल परचेज नहीं करते हैं। ऐसे में भी ये उस तरीके का सपोर्ट प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। बल्क परचेज है, बहुत सारा एक साथ आपको सामान खरीदना है जिसमें आपको डिस्काउंट मिल सके, तो उसमें भी हेल्प करती है। मार्केटिंग में हेल्प करती है, और अगर कुछ आपको प्रोटोटाइप डेवलप करना है, यानी कि आप कोई चीज़ बना रहे हैं उसका कोई शॉर्ट या ऐसा कुछ, मतलब उसका जो मॉडल टाइप का कुछ डेवलप करना है, तो उसमें भी हेल्प करती है। उसके अलावा बात करें तो रॉ मटेरियल आपको मतलब जो भी जहाँ से मंगाना है उसमें फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि रॉ मटेरियल आपका कैसे आएगा, कहाँ से आएगा। अगर आप उनसे डिस्कस करते तो वहाँ से भी आपको हेल्प मिल जाती है। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में भी आपको हेल्प करती है। मान लीजिए कि आपने कोई इंडस्ट्री शुरू की और उसमें आपकी प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है, तो उसमें भी वो आपको हेल्प करती है। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर प्रोग्राम्स जो स्टार्ट हुआ था 1978 में, इसका जो पर्पस था वो था कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में ऐसे सेंटर रहेंगे जो कि अगर आपको कोई भी रिलेटेड इशू है कि आपको अपनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप करनी है, उससे रिलेटेड आपको सपोर्ट या जो भी चीज़ चाहिए वो आप यहाँ पे जाके कर सकते हैं। तो अगर सिंपली फंक्शंस देखें तो क्या है कि कैसे स्टार्ट होती है SSI, ये आपको बता देंगे DIC। जब आप जाते हैं आपको नहीं पता है और आप अपनी कंपनी ओपन करना चाहते हैं, DIC पे जाइए, तो वो आपको बता देंगे कि आप ये स्टेप फॉलो करिए तो आप रजिस्टर कर सकते हैं, आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन के लिए हेल्प करती है। उसके अलावा आपको जो भी पूरा काम कंप्लीट, कैसे कैसे आपको काम करना है, जो आपकी प्लानिंग स्टेट है, जो उसमें आप पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करते हैं, तो उसमें भी वो हेल्प करती है आपकी। और भी किसी तरीके का टेक्निकल सपोर्ट चाहिए वो भी हेल्प करती है। उसके अलावा सब्सिडीज़, इंसेंटिव्स और कंसेशन रिलेटेड भी आपको चीज़ें बताती है। तो अगर एक तरीके से देखें तो ओवरऑल आपके डिस्ट्रिक्ट में जो जो भी आपको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से बेसिक सपोर्ट चाहिए वो सारा सपोर्ट DIC प्रोवाइड करती है। अगर हम बात करें फाइनेंशियल मेज़र की, एक तो हमने देखा ऑर्गेनाइजेशनल मेज़र जिसमें हमने देखा कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट सेटअप हुए हैं, अब फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट सेटअप हुए हैं। तो इनका पर्पस क्या होता है कि कैसे भी, मतलब किसी भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को कैसे हम फाइनेंशियली सपोर्ट प्रोवाइड कर सके, इसके बारे में है। जैसे है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट फंड, SIDF है, जो कि 1986 में प्रोवाइड किया गया था। और इसका पर्पस क्या था, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनको फंड्स प्रोवाइड करना, और इसके थ्रू जो था उन लोगों को फंड मिलता था जिसका सपोर्ट जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का है सपोर्ट कर सकते थे। नेक्स्ट इज़ नेशनल इक्विटी फंड और सिंगल विंडो स्कीम। ये स्कीम भी शुरू की गई थी जिसमें एक ही जगह पे जाके आपको जो भी रिक्वायरमेंट है, फैसिलिटीज़ चाहिए, वो आपको एक ही सिंगल विंडो पे, कहते हैं एक ही जगह पे आपको सारा इन्फॉर्मेशन और सारी चीज़ें मिल जाती थी। उसके अलावा स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया शुरू किया गया था, जो कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए इन फॉर्म ऑफ फंड्स फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए हुआ था। और ये जो हुआ था इन दोनों के अमलगमेशन से हुआ था, दोनों को मिक्स करके, जिसमें SIDF जो कि हमने अभी ऊपर देखा और नेशनल इक्विटी फंड दोनों का कंबाइन फॉर्म था।
उसके अलावा फिजिकल्स मेजर्स देखें कि जैसे कई बार गवर्नमेंट क्या करती है कि एक्साइज ड्यूटी ये जो होती है जो मैन्युफैक्चरिंग पे लगती है उसको कहती है कि अगर आपका टर्नओवर कम है तो हम ये इसको फ्री कर देंगे। कई बार किसी भी तरीके की बहुत सारी जो कस्टम ड्यूटीज़ है इन सारी चीज़ों को कुछ कुछ मटेरियल पे हटा लिया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आप मतलब जैसे कुछ कुछ ऐसी परचेसेस कर रहे हैं कुछ कुछ ऐसी चीज़ें मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो वहाँ पे गवर्नमेंट आपको वहाँ पे भी फ़ायदा दे देती है। तो इस मेज़र्स में देखिए तो आपको बहुत सारी चीज़ों से गवर्नमेंट क्या करती है कि फ्री कर देती है मतलब फाइनेंशियल फॉर्म में, तो उसको हम फिस्कल मेज़र कह रहे हैं। उसके अलावा टेक्निकल असिस्टेंट भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। अब आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं सब ऐसे बहुत टेक्निकली साउंड नहीं है, बहुत ज़्यादा टेक्निकली परफेक्ट नहीं है, तो गवर्नमेंट इन लोगों को भी सारा प्रोसेस करने के लिए हेल्प प्रोवाइड करती है। जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट प्रोग्राम सीडो है जो कि 1954 में आया था, और इसका काम क्या है, ये टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मैनेजरियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अगर आपको कोई भी टेक्निकल इशू आ रहा है उसमें प्रोवाइड करेगा हेल्प। उसके अलावा आपको कंपनी को कैसे चलाना है, कैसे मैनेज करना है, उससे रिलेटेड अगर आपको कोई सपोर्ट चाहिए वो भी प्रोवाइड कर रहा है। इकोनॉमिकल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। मार्केटिंग में अगर आपको दिक्कत आ रही है, अगर आप बात करते हैं तो वो भी प्रोवाइड करता है। काउंसिल ऑफ एडवांसमेंट ऑफ रूरल टेक्नोलॉजी, तो रूरल एरियाज में आपको पता है या कोई हैंडमेड प्रोडक्ट पहले बहुत ज़्यादा बनते थे, उनकी भी अपनी डिमांड है, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे उनको भी थोड़ा सा और एडवांसमेंट करनी है कि हमें अपना इस प्रोडक्ट को जो बहुत टाइम टेकिंग है बनाने में, उसमें अगर हम कुछ टेक्नोलॉजी यूज़ करके उसको और ज़्यादा बेटर बना पाएँ, उसको और रिफाइन कर पाएँ, तो ऐसे में भी रूरल टेक्नोलॉजी को भी बढ़ाने में हेल्प करती है जो कि 1982 में इस्टेब्लिश हुई थी। उसके अलावा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन फंड TDMF की बात करें, ये जो है टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, तो जो भी आपको अगर कोई चीज़ एक्सपोर्ट करनी है, आपका पर्पस ये है कि आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं और आपको बाहर अपना सामान भेजना है ग्लोबल स्केल पे, तो वहाँ पे भी आपको अगर कुछ अपग्रेडेशन चाहिए तो वहाँ पे भी सपोर्ट मिलता है। तो आपको ऑर्गेनाइजेशनल मेजर्स मिलते हैं जो कि आपको पूरी अपनी इंडस्ट्री सेटअप करने पे हर तरीके से मदद करते हैं। फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए भी बहुत सारी स्कीम्स और मेजर्स हैं। फिस्कल्स मेज़र है जो कि एग्जम्पशन आपको किसी चीज़ में छूट प्रोवाइड करने के लिए बने हुए हैं। टेक्निकली आपको असिस्टेंट प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमने अलग अलग चीज़ों को देख लिया है। उसके अलावा रिजर्वेशन ऑफ आइटम्स फॉर SSI, तो हमको ये चीज़ पता है कि सारा मैन्युफैक्चर एक ही इंडस्ट्री नहीं करती है, तो गवर्नमेंट का भी कुछ काम है कि कुछ कुछ फील्ड में मोस्टली जैसे कुछ कुछ हेल्थ केयर्स हैं उसमें गवर्नमेंट का रोल होता है, डिफेंस रिलेटेड जितनी चीज़ें होती हैं उसमें गवर्नमेंट का रोल होता है, उसमें ऐसा नहीं होता कि स्मॉल स्केल का रोल हो या मतलब तो किसी लार्ज स्केल का रोल हो। तो ऐसे ऐसे करके कुछ पार्ट जो है रिजर्व होता है गवर्नमेंट के लिए, कुछ पार्ट रिजर्व होता है कि इन सारे चीज़ों पे डोमिनेंस रहेगा लार्ज स्केल का, और फिर SSI के लिए कुछ चीज़ें रिजर्व कर दी जाती हैं। तो ऐसा भी होता है कि रिजर्वेशन कुछ आइटम पे किया जाता है और उसमें चेंजेस भी होते हैं, जब इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन होता आता है तो टाइम टू टाइम इस पे चेंजेस भी होते हैं। तो नेक्स्ट स्कीम की बात करें तो वो है स्टार्टअप इंडिया जो कि 2016 में स्टार्ट हुई थी। ये हमको बहुत अच्छे से पता है कि स्टार्टअप इंडिया का जो काम था वो स्टार्टअप्स को प्रमोट करना था, उनको फंड प्रोवाइड करना था, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स प्रोवाइड करने थे, और इसका बहुत नाम हुआ था। उसके बाद मेक इन इंडिया, इसको भी बहुत इसमें इनक्रेज किया गया था लोगों को ताकि वो नई नई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नई नई यूनिट निकाल पाए, इन्वेस्ट हो पाए, इसमें इंडिया में कोई नई चीज़ बन पाए, इसके बारे में था कि जितना ज़्यादा इंडिया को हम मैन्युफैक्चर स्केल पे बढ़ा सकें। उसके बाद नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन की बात करें तो ये 2015 में आया। उसके अलावा ट्रेड रिलेटेड एंटरप्रेन्योरशिप असिस्टेंट एंड डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें हैं ट्रेड। तो इन लोग का काम क्या था कि लोगों को स्किल उनकी बढ़ाने का, यानी लोगों को और ज़्यादा बेटर कैसे बना सकते हैं, कैसे उनको हर एक चीज़ के बारे में पता हो, उनको ट्रेनिंग्स मिल सके, कोई चीज़ उनको नहीं आती है और उनको सीखनी है तो वो सीख सकें।
तो हर तरीके से लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड असिस्टेंस प्रोवाइड करना, आप कैसे काम कर सकते हैं, कैसे अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, हर एक चीज़ के बारे में प्रोवाइड करना, इसके बारे में भी गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा रोल है अगर हम देखें तो। अब जो गवर्नमेंट स्कीम्स थी वो हमने देख ली, मेजर हमने कौन कौन सी गवर्नमेंट स्कीम्स थी ये देख ली, गवर्नमेंट स्कीम का रोल क्या होता है ये देख लिया, इन सारी चीज़ों को देख लिया। अब लास्ट टॉपिक जो है वो है स्टेप्स टू स्टार्ट SSI। तो अगर हम कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप करते हैं तो उसमें हमें क्या क्या स्टेप्स देखने होते हैं, तो उसके बारे में है। तो फर्स्ट इस प्रीलिमिनरी स्टेज में हम देखें तो सबसे पहला क्या है कि स्टडिंग बिजनेस इन्वायरमेंट। स्टडिंग बिजनेस इन्वायरमेंट अगर आप देखें तो प्रीलिमिनरी स्टेज मतलब आपने काम शुरू नहीं किया है, बस आपको क्या करना है कि आपको देखना है कि किस पे काम किया जा सकता है। अब आपको कोई कंपनी बनानी है या कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करनी है तो आप बिना बिजनेस को देखे कि क्या इन्वायरमेंट है, किस पे काम हो सकता है, किस पे काम नहीं हो सकता है, आप किसी चीज़ को डेवलप नहीं कर सकते, चाहे सर्विस इंडस्ट्री हो चाहे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो। प्रीलिमिनरी स्टेज काम शुरू करने से पहले आप बहुत सारे लोगों से बात करते हैं, कहीं भी चीज़, आपको घर भी लेना होता है, कहाँ लेना सही रहेगा, क्या चीज़ें सही हैं, कौन सी लोकेशन है, बहुत सारा कुछ पहले आप बात करने के बाद फिर फाइनल करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि बिज़नेस इन्वायरमेंट देखते हैं, आपको जिस भी सिटी में बनाना है वहाँ का आप इन्वायरमेंट देखते हैं, उसके बाद बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, उनसे एक्सपर्ट से बात करते हैं कि कैसे इंडस्ट्री सेटअप करना सही रहेगा, किस चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग सही रहेगा, सर्विस सही रहेगी, काम कैसे किया जा सकता है, उनसे जनरल डिस्कशन करते हैं। उसके बाद आप सर्च करते हैं बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ कि अब आपने धीरे धीरे अपने बिज़नेस का माइंड बनाया, इन्वायरमेंट देखा, लोगों से बातें की, अब आपको ये समझ में आया कि हम कौन कौन सी बिज़नेस अपॉर्चुनिटी है मार्केट में, और फिर उसमें से भी आप सेलेक्ट करेंगे कि कौन सी बिज़नेस अपॉर्चुनिटी आपको करनी है। तो पहले आप सर्च करेंगे, मान लीजिए कि आपने देखा कि इस टाइम हम कोई सॉफ्टवेयर कंपनी कोई बना के किसी को सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, एप्लीकेशन बना सकते हैं, यह चीज़ भी आपने देखी, या आपने देखा कि कोई ऐसी चीज़ है कि मैन्युफैक्चर भी किया जा सकता है, तो आपने 6-7 ऑप्शन देख लिए कि ये चीज़ें की जा सकती हैं। अब 6-7 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन फाइनल करना है, तो अब फिर आती है डिसीजन मेकिंग स्टेज, जहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस में से आप एक फ़ाइनल सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमको या सर्विस में जाना है या मैन्युफैक्चर में जाना है या एंसिलरी बनाना है, जो भी करना है हमने फाइनल कर लिया। अब फाइनल करने के बाद हमको पता है कि पहला काम हम क्या करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर जाएंगे, उनसे सलाह ले सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, तो DIC जाएंगे, SI है, बैंक्स है, लाइसेंसेस अथॉरिटी है, क्योंकि अगर आपको लोन लेना है तो आपको इन सारी जगहों पर जाके बात करनी पड़ेगी। तो DIC में आप जनरल डिस्कशन करने जा सकते हैं, बैंक्स में जा सकते हैं ताकि आपको कैसे कैसे फंड्स मिल सकें इसके बारे में बात करना है, लाइसेंस कैसे मिल सके इसके बारे में बात करना है, क्योंकि आपने अब डिसीज़न ले लिया है कि आपको काम करना है तो इससे रिलेटेड डिस्कशन करने जाएंगे। अभी ऐसा नहीं है कि आप काम शुरू कर देंगे, आप डिस्कस करेंगे, फिर आपको जो चीज़ें बेस्ट लगेंगी उसको चूज़ करेंगे। उसके अलावा आपको कितनी बड़ी कंपनी, किस टाइप की कंपनी, क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, ये भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि आपने अब अपॉर्चुनिटी डिसाइड कर ली है, अब आपको साइज़ टाइप एंड टेक्नोलॉजी डिसाइड करनी पड़ेगी। लोकेशन एंड फाइनल साइट जहाँ पे भी आपको बनाना है वहाँ का लोकेशन और फाइनल साइट आपको डिसाइड करनी पड़ेगी, और उससे रिलेटेड पेपर वर्क स्टार्ट करना होगा जिसको हम बोले प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। अब प्लानिंग स्टेट की बात करें तो जैसे हमने इन जनरल डिस्कशन किया कि लोन कहाँ से मिल सकते हैं, क्या चीज़ है, अब हमने पेपर वर्क शुरू किया, तो पेपर वर्क में फिर एप्लीकेशन आपको देना पड़ेगा, आपको एरिया चाहिए तो एरिया लीज पे चाहिए, कैसे चाहिए तो उसके लिए, लोन्स लेना है, लाइसेंसेस लेने हैं उसके लिए, जितने भी पेपर वर्क हैं वो आपको करने हैं, बैंक और फाइनेंसेस से रिलेटेड पेपर वर्क करने हैं उसके बारे में, और क्या क्या सामान आएगा, क्या क्या मशीन्स आएंगी, कहाँ से आएंगी, कैसी सारी चीज़ें हैं, तो उसके रिलेटेड आपको डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी पड़ेगी जो कि प्लानिंग स्टेज में आएगा। इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, अब आपको काम फील्ड पे करना है जिसको हम बात कह रहे हैं कि इम्प्लीमेंटेशन। अभी तक तो आपने अपने दिमाग में पहले कोई आइडिया लेके आए, फिर आपने उस आइडिया को कई लोगों से डिस्कस किया, फिर आइडिया को फाइनल किया, फाइनल करने के बाद आपने लोगों से बातें की, लोगों से बातें करने के बाद आपने रिपोर्ट बनाई कि इस तरीके से काम हो सकता है, एप्लीकेशन दी, अब सारा कुछ एप्लीकेशन होने के बाद, चीज़ें फाइनल होने के बाद, अब आप
कंपनी को एक्चुअल में फील्ड में सेटअप कर रहे हैं। तो लैंड एक्विजिशन, आप जो भी एरिया आपने सेलेक्ट किया है वहाँ पे आप अपना कब्जा करेंगे, तो उससे रिलेटेड जो भी काम है वो काम करेंगे, अपनी साइट को डेवलप करेंगे। अब जो भी एरिया है पहले से, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ सब कुछ बना बनाया मिल जाएगा, तो उसको डेवलपमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं, अगर आपने ज़मीन ली है तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं, बड़ी बनी बनाई बिल्डिंग है तो उसको और ज़्यादा मॉडिफाई करके कुछ चीज़ें अपने हिसाब से बना सकते हैं। उसके अलावा अब जब आपने पूरी बिल्डिंग बना ली है तो आप ऑर्डर दे सकते हैं कि आपको क्या क्या मशीनरी चाहिए, क्या टूल्स चाहिए, फर्नीचर फिक्सचर्स, क्योंकि अब आपका मान लीजिए एक एग्जांपल लेके ऑफिस खुलने वाला है तो आपको ऑफिस से रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट है वो चीज़ पूरी चाहिए, आपको सारी चीज़ें चाहिए, तो उससे रिलेटेड आप सारा सामान मंगवाने वाले हैं। अरेंजिंग ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, फिर आप ये सारी चीज़ें भी बनवाएंगे, क्योंकि जैसे आप नया ऑफिस खोलते हैं तो उसमें टेबल है, चेयर है, मीटिंग रूम है, सारा कुछ सेटअप करते हैं, प्रोजेक्टर्स हैं, जिस तरीके का आपका काम है उस तरीके की मशीनरी है, तो सारा कुछ सेटअप करते हैं। उसके साथ साथ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन भी आप देते हैं। उसके अलावा फिर जब सारा कुछ कनेक्शन हो गया, मतलब आपकी पूरी बिल्डिंग का पूरी तरीके से बात करें सारा कुछ सेटअप हो गया, तो अब आप क्या करेंगे कि लोग हायर करेंगे, क्योंकि लोगों को काम करना है, तो वहाँ पे आप रिक्रूटमेंट करेंगे, सिलेक्शन करेंगे, कुछ लोगों को ट्रेन करेंगे। जैसे आपने कोई नई सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू की है तो ज़्यादातर सॉफ्टवेयर कंपनी अपनी ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है पहले लोगों को, फिर रखती है, तो ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे ताकि लोगों को पूरी अच्छी तरीके से आप जो काम कराना चाह रहे हैं वो करना आ जाए। प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फाइनलाइज द मार्केट चैनल, तो यहाँ पे हम रॉ मटेरियल, हमको जो भी मंगाना है उसको हम मंगाएंगे और उसको पूरी तरीके से रिफाइन करके उसके बाद मार्केट चैनल जहाँ से भी आपको मंगाना है वो आपको सेटअप करना होगा। अब जैसे कई लोग होते हैं कि अपना फिक्स कर लेते हैं कि हमें यहाँ से सामान मंगाना है, उनसे अच्छे कनेक्शन बना लिए और पूरा अपनी मार्केट में अपनी पहचान बना ली कि हमारा सामान यहाँ 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 से आएगा, और उसके बाद फिर मार्केटिंग कैसे कैसे होगी ये भी उन्होंने फाइनलाइज कर लिया। तो ये सारा कुछ भी हम इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में, पहले तो रॉ मटेरियल बना लाना, उसको फिर पूरी तरीके से रिफाइन करना और उसके बाद कहाँ कहाँ मार्केटिंग करनी है उसको सेटअप करना, इन सारी चीज़ों को हम धीरे धीरे करने लगते हैं इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में। और उसके अलावा क्या करते हैं कि कैरी ऑन ट्रायल प्रोडक्शन। तो पहले क्या होता है कि कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं पहली बार अगर आप बना रहे हैं तो ऐसा नहीं होता कि बल्क में आपने बना लिया और फिर आपने कहा कि मार्केट में उतारेंगे। कुछ टेस्ट लेते हैं आप, कुछ लोगों को मतलब कुछ उसके प्रोजेक्ट के ट्रायल्स बनाते हैं, ट्रायल्स को लोगों को देते हैं, फिर ट्रायल्स लोगों को पसंद आता है और उसमें कुछ कमी ज़्यादा लगती है तो उसको मॉडिफाई करके तब हम मार्केट में देते हैं। तो पहले एक टेस्ट के फॉर्म में कोई चीज़ बनाई जाती है या कोई भी मेडिसिन बनाई जा रही है या कोई भी प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, वो टेस्ट बेसिस पे थोड़ा सा बनाया जाता है, उसके बाद जब लोगों को दिया जाता है और उसका सब कुछ सही निकलता है या उसमें कुछ मॉडिफिकेशन या सजेशन की बात होती है तो फाइनल डिसाइड किया जाता है। तो इतना हम काम करते हैं इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में। अब इम्प्लीमेंटेशन स्टेज के बाद जो स्टेज है वो है मैनेजरियल स्टेज। मैनेजरियल स्टेज का काम क्या है कि अब मैनेज करना है चीज़ों को, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि कॉमर्शियल प्रोडक्शन, अब जो भी काम हो रहा है एक तरीके से प्रोडक्शन वाला काम हो रहा है, अब उसके एक एक स्टेप को हमको देखना कैसे सारी चीज़ें हो सकती हैं, मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को देखना, डीलर्स को अपॉइंट करना, होलसेलर्स को अपॉइंट करना, एजेंट्स को, शोरूम, ये अलग अलग काम के लिए अलग अलग हैं। मतलब अब चीज़ों को कह सकते हैं ना कि एक मैनेज करना है, इम्प्लीमेंटेशन कर दिया, मतलब मान लीजिए कि आपने कोई चीज़ बना दी, अब बनाने से ही कुछ नहीं होगा ना, तो बनाने के बाद उसको और ज़्यादा अच्छे से कैसे मैनेज कर सकें, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकें और कोई एक प्रॉपर चैनल बना सकें, उसके बारे में सोचना है, तो ग्रोथ के बारे में सोचना है। उसके अलावा जब भी आपका पैसा आ जाता है तो रिपेमेंट इंटरेस्ट देने के बारे में सोचना है। अब आपको मैनेज करना है, ऑर्गेनाइजेशन आपका बन गई है, प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, अब आपको मैनेज स्टेज में जो जो चीज़ें करनी है वो इसमें आती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप यही पॉइंट्स लिखें, आप अपने पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। अब लास्ट जो टॉपिक है वो आता है कि प्रॉब्लम ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। तो ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए इसलिए हमने इसको उसमें रख लिया है। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ टाइमली एंड एडवोकेट क्रेडिट,
तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर टाइमली हमको क्रेडिट नहीं मिलता है तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में प्रॉब्लम होती है। आपने कोई चीज़ बनाने के लिए मान लीजिए कहीं पे कुछ पैसा दे दिया है या आपको पैसा देना है और आपको मिला नहीं पैसा, तो आपका काम रुक जाता है। मैनेजमेंट अगर आप अच्छे से नहीं कर पाते हैं तब आपको उतना सक्सेस नहीं मिलती है। अगर आपके पास जगह ही नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, फैसिलिटी नहीं है, तो तब भी आपके काम में दिक्कत आती है। अगर टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंस की बात करें तो पुरानी विधि से आप बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, आज के ज़माने में आप पुरानी विधि का यूज़ कर रहे हैं, तो भी कई बार ऐसा होता है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री उतना अच्छा नहीं चल जाती है। फिर लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, तो अगर हम देखें कि रॉ मटेरियल हम कहीं से भी मंगाते हैं और कुछ काम तो हमने एकदम ने टारगेट तो ले लिया हमें 100 प्रोडक्ट्स बनाने और हमें 50 के भी रॉ मटेरियल नहीं मिले, तो फिर उसमें भी दिक्कत होती है। मार्केटिंग इश्यूज़ है, जिसको नहीं आती मार्केटिंग करना, तो उसके लिए फिर आप प्रॉफिट कमाना बहुत हार्ड हो जाता है। उसके अलावा कंपटीशन भी होता है बहुत सारी चीज़ों में लार्ज स्केल इंडस्ट्री से, तो पता चला आपने बना तो दिया। और कई ऐसे भी प्रोडक्ट्स हुए हैं जो कि आए तो हैं मार्केट में पर कुछ टाइम बाद चले गए हैं, तो वो कंपटीशन को नहीं फेस कर पाते हैं, अपने को कैसे बढ़ाना है उसके बारे में नहीं सोच पाते हैं। उसके अलावा एक्सेसिव बर्डन ऑफ लोकल टैक्स, ये भी कभी कभार आ जाता है, तो यहाँ से भी प्रॉब्लम इश्यू होती है। तो जो सेकंड पार्ट था इसमें जो बेसिकली हमने डिस्कस किया वो किया कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ कौन कौन सी है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। उसके अलावा हम लोग डिस्कस किया कि जब हम कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट स्टेज क्या होनी चाहिए, पहला काम क्या करेंगे, कैसे शुरुआत करेंगे और कैसे अंत करेंगे, उसके बारे में स्टेजेस हैं जिसमें हम लोगों ने मेजर मेजर टॉपिक देख लिए हैं। और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि प्रॉब्लम ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़ क्या आती हैं। तो इसके अब जो है हमारा यूनिट वन पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है, जिसमें हम लोगों ने एंटरप्रेन्योर से स्टार्ट किया था, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया था, कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी, टाइप्स देखी थी, और फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ देखी थी, और उसके बाद हाउ टू स्टार्ट SSI। तो सारा यूनिट वन इसमें कवर हो चुका है और मेजर मेजर जितने भी टॉपिक थे वो सब कवर कर दिए हैं मैंने। बहुत रेयर चांसेस हैं कि इसके बाहर से कुछ आए। ये हो सकता है कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछ ले, तो अगर आप एक जनरल आइडिया रखते हैं हर एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में या कोई नई स्कीम आई है उसके बारे में, तो और ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे 2 मार्क्स में क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो उसमें हर चीज़ में अपडेट रहिए। पर वो इतना कंपलसरी नहीं है, इसलिए मैंने इस लेक्चर में इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा हो जाता और उसके चांसेस बहुत कम हैं आने के। लेकिन फिर भी आपको अवेयर रहना है, और इस आपको फिर इसलिए भी अवेयर रहना है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के लिए, क्योंकि अब दुनिया में जितनी भी चीज़ें हो रही है, गवर्नमेंट इतनी सारे बेनिफिट्स दे रही है, तो उसके बारे में आप अवेयर रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बता पाएंगे, तो उस लोगों का फ़ायदा ही होगा। तो इसलिए भी आप उस चीज़ को सीखिए कि आपको हर चीज़ पता हो, किसी की हेल्प करने के लिए भी आपके काम आएगा, खुद के बारे में भी आपको पता होगा कि हाँ ये पर्सन है हर चीज़ में अवेयर रहता है, तो इसके लिए भी ठीक रहेगा, तो आप इसको देख सकते हैं। तो थैंक यू, अब मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट वाले लेक्चर में। अगर आपको लेक्चर सही लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।